अब ये मेरी स्टूडेंट बता रही है कि सब डिज़ाइन स्मोकिंग का डालने के बाद जो स्टिच किया वो बहुत लूज स्टिच चलेगा, वो इस पे चलेगा, पूरा ये पूरा सर्कल में चला जाएगा। ये पूरी लंबी स्टिच किया इसने, ढीली ढीली। बेटा बताइए ना, पहले मैंने ढीली ढीली सिलाई कर ली है, ये लंबी सी सीधी सीधी सिलाई कर ली है खूब ढीली ढीली। उसके बाद मैंने ये भी सिलाई जो है मेरी, ये भी मैंने ढीली ढीली, ये आप समझ ही रहे हैं कि 3-3 इंच से पूरे फॉर्म छोड़े गए हैं। ये जो लाइन है ये स्टिच किया गया है, वो भी ढीला ढीला। उसके बाद मैंने ये रुई नहीं बेटी, फाइबर फाइबर, ये फाइबर मैंने इसके अंदर डाला है। हाँ, ये आपने फाइबर से डाल दिए। डालने के बाद ये मैं स्टिच कर दूंगी ऐसे, ये जैसे स्टिच किया, ताकि ये फाइबर बाहर ना आए। क्योंकि अगर ऐसे तो ये भी भरा जाएगा, पूरा भर के पूरा ये बॉल कुशन तैयार होगा। लेकिन अगर ये स्टिच नहीं होगा, मेरी स्टूडेंट ये बताना चाह रही है कि अगर ये स्टिच नहीं होगा तो ये डिस्टर्ब होगा इधर उधर, ऐसे जब होगा तो ये शेप बनने के बाद ये शेप हमारा ख़राब हो जाएगा। और एक बार बनने के बाद फिर ये कैसे सही होगा, नहीं हो सकता, पूरा खोलना पड़ेगा। इसलिए शुरू में ही स्टार्टिंग में ही स्टिच में करवा देती हूँ, जैसे कि ये सब हुआ है। इस तरीके से ये पूरा स्टिच करने के बाद ये मुझे फाइबर सिलाई कर देनी है पूरी, ये यहाँ से फाइबर भर, हाँ फाइबर भर के मुझे यहाँ से खूब ढीली ढीली पहले सिलाई कर देनी है। फिर उसके बाद मुझे इसको टाइट करना है, खींचना है। खींचने के बाद फिर मेरी डिज़ाइन बन जाए। फिर उसके बाद प्लीट बैठा के डिज़ाइन कंप्लीट, बॉल कुशन तैयार।